हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ला कड़। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वेरिएंट, जो कि है टॉप वेरिएंट। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है S और एक आता है S11। तो इसमें अपने को काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिया महिंद्रा ने। जो ओल्ड वाली S11 आती थी, जो उसमें अपनी जो ग्रिल है वो चेंज कर दी है। बाकी क्या अपना ये चेंज कर दिया लोगो, इधर पे DRL लगा दी। पहले अपने को इधर पे मिलती थी, तो यहाँ भी मिलती हैं बट इधर भी लगा दी। एक बार मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। देख सकते हो ये भी जल रही है, बाकी ये भी जल रही है। बाकी भाई स्कॉर्पियो ना एक ऐसा नाम है जो यंगस्टर की पहली पसंद है, गैंगस्टर की पहली पसंद है, भाई पॉलिटिक्स में भी पसंद है हर इंसान को। भाई स्कॉर्पियो इतनी पसंद है कि वो इस गाड़ी पे भाई फीचर ना हो भले ही, सेफ्टी ना हो भले ही, लेकिन हमको स्कॉर्पियो चाहिए। मतलब चाहिए इस गाड़ी की। भाई अब इतनी डिमांड है, जैसे भाई किसी भी गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आती है तो इसकी सेल कम हो जाती है। जैसे एन आने वाली थी जो स्कॉर्पियो एन, उससे पहले इस गाड़ी की सेल फिर भी भाई 5-6 हज़ार यूनिट। तो महिंद्रा ने सोचा भाई इसको ही बंद नहीं करते, तो आप इससे इसकी डिमांड देख सकते हो। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ ना, 4456 mm की इसकी लेंथ मिल जाती है। वेट की बात करें तो 1820 mm की वेट है, 1995 mm की इसमें अपने को हाइट मिलती है। और बाकी अगर व्हीलबेस की बात करें, 2680 mm का इसका व्हीलबेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें अपने को 180 mm की मिलती है, लेकिन वो 200 mm के बराबर है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर की, और अपने को इंडिकेटर यहाँ पे फेंडर पे मिलता है। बाकी फ्रंट में अगर मैं बात करूँ, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, ये लो बीम है, ये हाई पे। बाकी इधर पे DRL मिल जाती है, इंडिकेटर है, ये एक DRL मिल जाती है, और यहाँ पे अपने को फॉग लैंप मिल जाते हैं। 6 स्लॉट मिल जाते हैं वर्टिकली, अपने क्रोम और बाकी क्रोम ग्रिल है। बाकी इधर पे लोगो है, न्यू वाला पे बम्पर अपना एक्सेसरीज में लगा हुआ है, ऐसा कुछ अपना मिरर है, ऊपर एंटेना लगा है, रूफ रिल्स मिल जाती हैं। इधर से आप डीजल वगैरह भर सकते हो, इस तरफ से आई थिंक इस तरफ से डीजल, उस तरफ से एड ब्लू है। रियर में बात करें, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और इधर पे वॉशर है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग है, न्यू लोगो है, कैमरा है एक्सेसरीज में। बाकी यहाँ पे अपने को दो स्पीकर मिल जाते हैं, कौन सी कंपनी का ये नहीं पता। बाकी 550 लीटर की इसमें अपने को बूट स्पेस मिल जाती है, आप देख सकते हो इंटीरियर। इधर पे अपने को डिफोगर मिलता है, आप देख सकते हो वायर वगैरह ऐसे ही थार का निकला होता है। दो स्पीकर हैं, इधर से आप डोर हैंडल है, ग्रैब हैंडल है। अंदर बैठ के देख लेते हैं तो इसमें भाई क्या ही, अपने को अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा, बस ये है बच्चों के लिए। बाकी इधर पे लाइट है, इधर से आप पुल टू ओपन कर सकते हैं, उस तरफ से भी पुल टू ओपन कर सकते हैं। इस तरफ मैंने बोला था ना भाई डीजल है। इधर से अपन भरेंगे डीजल, इस तरफ से भरेंगे ब्लू। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें मिलती है 235/65 R17, और इसमें अपने को मिलते हैं C8 के टायर, और इसमें अपने को डायमंड का अलॉय व्हील मिल जाते हैं, न्यू लोगो के साथ हैं। जो आगे डिस्क मिल जाता है, पीछे ड्रम मिल जाता है। रियर में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अपने ग्रैब हैंडल, पावर विंडो, इधर पे अपने को डोर हैंडल मिलता है, फ़ोन वगैरह रख सकते हो, बॉटल होल्डर है। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट जो है उसमें मेरे हिसाब से कप होल्डर तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली कप होल्डर नहीं है इसमें। बाकी यहाँ पे एसी वेंट हैं, दो कप होल्डर हैं, ऐसा कुछ है फ्रंट का इंटीरियर। इधर पे लाइट है, एक इधर पे लाइट है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट तो इस गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। सबसे पहले मैं इसका बोनट दिखाता हूँ, किधर गया भाई लीवर, ये है। बाकी इसमें 2000 वार्निंग वाला आता है, तो बोनट ओपन है, 3000 वार्निंग। इधर से आप एयर इंटेक का वो देख सकते हो। वाह भाई वाह भाई, स्कॉर्पियो एन में अपने को स्ट्रट्स नहीं दिए, लेकिन इसमें अपने को हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं, इंसुलेशन वगैरह हैं। बाकी यहाँ पर टर्बो 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर। इसमें अगर पावर की बात करूँ तो 130 BHP पावर है, 300 Nm का टॉर्क है, जो भाई अपना थार में जो डीजल इंजन है वही है। इधर पर कूलेंट वगैरह ये सब चीज़ें हैं। बाकी
इधर पे अपने स्कॉर्पियो की क्लैडिंग है और इधर पे हाइट एडजस्टेबल सीट है जो कि काफ़ी ऊंचा बैठा देगी अपने को, ऐसा लगेगा ट्रक में बैठे हैं अपन। इसमें बैठते हैं भाई, इसमें बैठने के लिए भी काफ़ी ऊंचा अपने को होना चाहिए। बाकी आर्मरेस्ट है, इधर पे कप होल्डर है, हैंड ब्रेक है, बाकी इधर पे मैटिंग है। बाकी यहाँ अपने को गियर नॉब चेंज कर दिया गया, पहले भाई वो आड़ा सा था, बाकी इसमें वाइब्रेशन सब ख़त्म कर दी गई है। स्टेयरिंग व्हील भी ऐसा कुछ मिलता है अपने को, इधर वाइपर और लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर से आप फ्यूल लाइट ओपन कर सकते हो, डिफॉगर वगैरह बटन है, ओआरवीएम के बटन सा। यहाँ पे मिलते हैं 7000 आरपीएम टैकोमीटर, 180 में अपने को इसमें मिल जाता है स्पीडोमीटर, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी। इससे आप ट्रिप ए ट्रिप भी रीसेट कर सकते हो, यहाँ स्क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो, एडजस्टमेंट टिल्ट के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पे अपने को वुडन फिनिश मिल जाती है, एक 12V का पोर्ट है, यहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हो, दो एयरबैग, ABS, CVT, सीट बेल्ट माइंड जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को सनग्लास होल्डर मिल जाता, इधर पे लाइट वगैरह कुछ है नहीं, इधर पे अपने को मिरर मिल जाता है, स्कॉर्पियो की बैजिंग है, ऐसे कुछ है एसी वेंट्स। यहाँ पे अपने को मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ये टेम्परेचर कंट्रोल है, ये फैन स्पीड कंट्रोल, बाकी भाई इसमें अपने को इधर सब मोड्स हैं, ये रिसर्कुलेशन डिफॉगर, एसी का बटन है, हजार लाइट का बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। बाकी यहाँ पे बात करें तो अपने को 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है एंड्रॉयड वाली। बाकी इसमें अपने को इधर पे होम और जो पूरा एंड्रॉयड फ़ोन की तरह जैसे इसमें कर दिया प्रेस, अगर कुछ भी ऐप वगैरह खोलें तो इसको आप क्लियर कर सकते हो। अपनी जो एक्सेंट में मैंने जो स्क्रीन लगवाई है वो ऑलमोस्ट इसी की तरह है, बाकी ये पूरे सिस्टम तो पूरे सेम है, बस अपना जो इंटरफेस है इसका अंदर का वो थोड़ा चेंज है। बाकी इसमें आपको थोड़ा धूप आ रही होगी तो यहाँ से आप ऐप्स पर जा सकते हो, सारे कुछ EQ वगैरह यहाँ से पूरे एडजस्ट कर सकते हो, म्यूज़िक है, रेडियो, ब्लूटूथ, नेविगेशन, ये सब है, पूरी एंड्रॉयड स्क्रीन है। बाकी यहाँ पे अपने को ये सब मैंने आपको बता ही दिया, आपको आई थिंक मैंने चाबी नहीं बताई, अभी चाबी मिलती है ऐसी लॉक अनलॉक, यहाँ से आप इस बदल करोगे तो इसका बजर ऑन हो जाएगा। बाकी अपने को फॉलो मी हेडलैम्प मिल जाता है, बाकी और इस पे प्रेस करोगे तो ये हॉर्न मारने लगती है। बाकी इधर से आप एयर इनटेक वगैरह कर सकते हो, ये सब है। यही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।